कारवां टीवी हर पल आपके साथ। घर से हो गए बेघर, कौन सुनेगा इनका दर्द। चंद्रपुर बिचपुरी में बीडीए ने गिराए अब तक 10 घर, अब बाकी घरों की बारी। बरेली थाना भितरी चैनपुर क्षेत्र के गांव चंद्रपुर बिचपुरी में 3 मार्च को बीडीए की तरफ से गरीबों के 10 घर गिरा दिए गए हैं। अब बाकी बचे 300 घरों को लेकर गांव वाले इकट्ठे होकर पहुंचे पूर्व मंत्री संतोष गंगवार के कार्यालय। गांव वालों को भारत सेवा ट्रस्ट पर किसी ने सही से जवाब नहीं दिया। गांव वाले निराश होकर वापस चले गए। गांव वालों ने बताया कि हमारे घरों को गिराया ना जाए, हम परिवार को लेकर कहां जाएंगे। ग्राम चंदपुर बिचपुरी निवासी ईश्वरी सक्सेना ने बताया कि हम लोग 20 वर्षों से यहां रह रहे हैं। हमारे नाम बिजली कनेक्शन है, वोटर कार्ड बने हुए हैं, राशन कार्ड बने हुए हैं। हमारी झोपड़ी थी, उसके बाद हम लोगों ने अपने घरों को पक्का बनवाया था। उस समय बीडीए ने हमारे घरों को क्यों नहीं रोका, जो 20 साल बाद हमको बेघर किया जा रहा है। अपने परिवार बच्चों को और महिलाओं को लेकर कहां जाएं, सरकार हमें दूसरी जगह रहने को दे। चंदपुर बिचपुरी ग्राम पंचायत विकास खंड व थाना बिथरी चैनपुर तहसील और जिला बरेली के गरीब मजदूर किस्म के लोग हैं। शहर बरेली में दैनिक मजदूरी करके परिवार का गुजारा करते हैं। प्रार्थी गणों ने जैसे तैसे थोड़ी थोड़ी बचत करके ग्राम पंचायत चंद्रपुर बिचपुरी को, जो बरेली शहर के निकट का गांव है, छोटे छोटे प्लॉट लेकर 15 से 20 वर्ष पूर्व छोटे छोटे घर बना लिए हैं, जिनमें प्रार्थी गण तभी से रहते चले आ रहे हैं। प्रार्थी गणों के बिजली के कनेक्शन है, वोटर लिस्ट में नाम भी है और इसके साथ साथ आधार और पैन कार्ड भी है। जबकि प्रार्थी गण ने संबंधित प्लाट खरीदे थे तथा कब्जा और दखल दिया था, यानी कब्जा व दखल लेने के बाद उस समय बरेली विकास प्राधिकरण का संबंधित भूमि से कोई संबंध नहीं था, ना ही बैनामा कराते समय सब रजिस्ट्रार कार्यालय और राजस्व अथवा किसी अन्य विभाग द्वारा ऐसी कोई जानकारी प्रार्थीगणों को नहीं दी गई थी। पीड़ितों ने कहा, यदि जानकारी दी गई होती तो हम ग्रामवासी जमीन नहीं खरीदते। गांव वालों के घरों का निर्माण कराते समय भी बरेली विकास प्राधिकरण के किसी कर्मचारी अधिकारी द्वारा प्रार्थी गढ़ों के निर्माण करने में नहीं रोका गया। गांव वाले उम्र दराज हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, जीवन की सारी कमाई लगाकर मुश्किल छोटे छोटे घर बनाए हैं, जो आगे जीवन में बनाया जाना संभव नहीं है, न किराए पर लेकर रहना संभव है। सैकड़ों परिवार के हजारों लोगों का भविष्य खतरे में जो जाने से लोग भयभीत हैं और आक्रोशित भी हैं। क्या कहते हैं पीड़ित लोग, सुनते उन्हीं की जुबानी पूरी दर्द भरी बातें। देखिए बरेली से कारवां टीवी के लिए रियाज गुड्डू अंसारी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम यशवीर सक्सेना। कौन से गांव रहते हैं? मैं बिचपुरी का निवासी हूँ। थाना बिथरी पड़ता है। क्या मांगे हैं, जो किस बात पर आप समस्या है, जो आप मंत्री जी जाए? हमारी शासन प्रशासन मंत्री जी से सबसे यही है, यही मांग है हमारी कि हमको उजाड़ा ना जाए, हमको बसाया जाए। हमारी आखिर गलती क्या है? क्या सरकार की गलती नहीं? सरकार की कोई गलती नहीं है, प्रशासन की कोई गलती नहीं है। जब अधिग्रहण जमीन की गई तो दफ्तर में बैठ के क्यों की गई? धरातल पे यदि काम होता तो तारकसी करते, बाउंड्री वाल करते। पूर्व में जो भोस्वामी थे वो सन 2004 से 2021 तक वो ही काबिज रहे। सन 2021 में उन्होंने अपने गेहूं काटे हैं। हम तो कितने वर्षों से आप वहाँ पे रह रहे हैं? मैं सन 2004 का निवासी हूँ। पहले मैं झोपड़ी डाल के रहा, फिर 2005 में मैंने रजिस्ट्री हुई है। रजिस्ट्री हुई आपकी? हाँ जी। उसके बाद हटा रहे हैं? उसके बाद से अब 2021 में 1 जनवरी को हमारे लिए नोटिस आते हैं कि आपने अवैध रूप से मकान बना लिया, जो कि नक्शा पास नहीं, इसका जवाब दें। हम लोग जवाब देते हैं। 2021 में ही हमारे लिए 5 फरवरी के लिए फिर दुरुस्ती करके नोटिस आते हैं मकान खसाने के लिए, 16 दिन में खसा दिया जाएगा। और अब हमारे लिए आए दिन खाली करने के लिए कहा जा रहा है। अब तक कितने मकान गिरा जा चुके? अब तक 10 मकान 3 मार्च को गिरा दिए गए। उसके बाद में ऐसा भी आज विदित हुआ है मुझे कि 30 ट्रक भी ऐसी आएगी, और हम चंद लोग हैं, हमारे लगभग 90 परिवार उजड़ेंगे। 25 जीसी भी होंगी, 1 घंटे उजाड़ दिया जाएगा। तो
तो हमें उजाड़ने से पहले हमें कहीं बसा तो दो, हमारे जो छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे। मैं प्रशासन से और मैं अपने आदरणीय माननीय श्री संतोष कुमार जी एवं नवनिर्वाचित श्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी व मेरे आदरणीय परम आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री व मेरे महावैभव राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी, मैं सबसे भीख मांगता हूँ कि मुझे बसा दिया जाए, मुझे उजाड़ा ले जाए, मेरे घर छोड़ करके घर ले लो, लेकिन हमें बसा तो दो। लेकिन हम उन दरबों में नहीं रह पाएंगे जो 25 गज के होंगे, उनमें हम 200 गज में रह रहे हैं, हमारा उनमें गुजारा कैसे होगा। हम वो भी 9.5 लाख रुपए हम कहाँ से लाएंगे। हमारी कुछ माँ बहने चौका बर्तन करके उन अमीरों के टुकड़ों पे पल रही है, अपने परिवार चला रही है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मात्र 300 रुपये की मजदूरी करते हैं, क्या उनकी 12,000 रुपया महीना की किस्त दे पाएंगे। आखिर हमारा करवंद निवेदन सबसे है कि हम उनके देश के निवासी हैं, हमारे लिए उजाड़ो मत। है कोई वीर शहीद भगत सिंह या पंडित राम प्रसाद बिस्मिल मिल जाए न्याय गरीबों को खिलौने उनके हृदय कमल। तो मैं तो यही सबसे गुहार लगा रहा हूँ आज कि मुझे बसाया जाए, मुझे उजाड़ा ना जाए। क्या नाम है आपका? सोनम प्रजापति। सोनम जी, क्या कितने परिवार हैं ऐसे जो, और कितने परिवारों का तोड़ दिए गए? 11 लोगों के मकान तोड़ दिए गए हैं और हैं हम लोग लगभग 250-300 लोग और मकान हैं जो तोड़े जा रहे हैं। कब तक की मोहलत दी गई है? कोई मोहलत नहीं दी गई है, जब मन आता है तब तो गिरा कर चले जाते हैं, सामान भी नहीं निकालने देते हैं। हम छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे? कितने परिवार हैं? हैं 300-400 लोग। हम इतने छोटे छोटे बच्चों को लोगे, हमारे पास ये भी नहीं है कि अगर हम एक दिन काम ना करें तो हम दूसरे दिन बना के खाना खा लें, तो हम बताइए कहाँ जाएंगे। 300-400 परिवार हैं, वो कैसे मजदूरी करते हैं? कुछ सारे मजदूरी ही करते हैं, 250-300 रुपये कमाते हैं मुश्किल से, और कभी कभी तो वो भी नहीं हो पाता है। आप लोगों से पक्के मकान बना के? कुछ लोगों ने झोपड़ियाँ डाल ली हैं धीरे धीरे करके, कुछ लोगों ने बना भी लिए हैं, कभी दीवार उठा ली कभी लिंटर डाल लिया। जब मकान बने तब सरकार की तरफ से कोई नहीं, कहीं ना कहीं बोर्ड लगाया गया था, ना ही कहीं पे रुकावट की गई थी, ना ही कोई वो था जो हम लोग ना खरीदते। हम लोगों को पता ही नहीं था, खेती हो रही थी तो हम लोगों ने अपने किसी ने 30 गज, किसी ने 35 गज, किसी ने 100 गज, जैसे जिसे खरीद मिली उस तरीके से हमने बनाए। और अब ये कहा जाता है कि ये बैनामे इनलीगल हैं, तो लीगल क्या है फिर? ये तो रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्रार से पूछा जाए कि जब वीडियो में जमीन थी तो ये रजिस्ट्रियां क्यों होने दी, क्यों हमारा पैसा बर्बाद कराया, वहीं से रोक लगानी चाहिए थी ना। कारवां टीवी, हर पल आपके साथ।